नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे आप इन सुंदर से दिखने वाले मनी प्लांट की केयर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये नियॉन कलर का मनी प्लांट है और इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और जब मैंने इसको पहली बार देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उसके जो फूल सुंदर सुंदर जो पत्ते आ रहे हैं इसके, ये मुझे अपनी तरफ बड़ा आकर्षित करते थे। यही वजह है कि मैंने इसको अपना करने के लिए इसमें मैंने 2 बार खाद डाली है और कच्चा दूध जो है उसको एक बॉटल के स्प्रे बना के सुखा रहे थे। पत्तों में चमक आ रहे हैं, देखो कितने सुंदर चमक रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए कितने सुंदर चमक रहे हैं ये पत्ते। ये देखिए, ये मेरा दूसरी वैरायटी का मनी प्लांट है, वेरीगेटेड इसको बोलते हैं। ये मुझे बहुत पसंद था, इसको भी मैंने कटिंग से उगाया था। ये कटिंग इसकी बड़ी ईजिली ग्रो हो जाती है। आप ऐसा कीजिए, आप कहीं से भी इतनी छोटी सी कटिंग काट लीजिए और फिर उसको पानी में या इसमें लगा दीजिए और उसके बाद आपका ये जो प्लांट है ये ग्रो होना शुरू हो जाएगा। आप इसे हैंगिंग में डालेंगे, हुक में डालेंगे, हुक पार्ट्स में डालेंगे तो ये बहुत सुंदर लगेंगी। तीसरा ये जो है मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, मार्बल मनी प्लांट है। ये मनी प्लांट सुंदर आकर्षित होते हुए आपको अपनी तरफ खींचता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये मनी प्लांट्स इतने हार्डी प्लांट होता है, इतने हार्डी प्लांट होते हैं कि आप जब इनको घर में करते हैं एक अच्छा एहसास होता है। और उसके बाद जब इन पौधे बड़े होने लगते हैं, आप इनकी जब देखभाल करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप बच्चों के पीछे बैठे हुए हैं। कभी भी बाहर ऐसा लगता नहीं है कि आप बोर हो रहे हैं। अब जैसे लॉकडाउन था तो मैंने इन पौधों को ग्रो किया, जैसे आप मेरे सामने देख रहे हैं ये कितने हेल्दी हो गए। और 3 महीने बंद रहने वाला है, उसके बाद देखिए कितने हेल्दी हो जाएंगे जब तक कि हम लोग अपने वापस इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हैं। ये कुछ कलेक्शन है मेरे पास अपने सकलेंस की, जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ये मेरे सकलेंस हैं जिनको मैंने इस साल ग्रो किया था। आप देख सकते हैं मेरे सकलेंट, यहाँ से ध्यान से देखिए ये नए नए बर्ड निकल रहे हैं। इनको मैंने ओपन में रखा है पिछली तरफ बैकयार्ड में, जहाँ धूप सुबह की लगती है। ये मेरा प्लांट है, ये जो इसी साल सारा ग्रो हुआ। इसका फोलियज देखिए कितना सुंदर आया है, इसके लीव्स कितने चमकदार हैं। ये सारा कमाल है कि मैं इसमें ना गोबर जो है वो उपला लेके उसको पानी में भिगोती हूँ और उसके बाद 2 दिन के बाद जो है पानी को थोड़ा थोड़ा डिप डिप करके डालती हूँ, उसको डिल्यूट करके वाटर के साथ। पौधा है हमारा, ये बहुत सुंदर है, कितना आकर्षित लग रहा है। देखिए इसके कुल जो पिंक पिंक दिख रहे हैं, कितने खूबसूरत हैं ये। और आप इतने प्यारी है ये, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था और आज देखो ये कितना बड़ा है। इसको मुझे लगता है कि मैंने दिसंबर के महीने में ग्रो करना शुरू किया था और अच्छी देखभाल के साथ आज ये मेरा पौधा इतना सुंदर हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर मैं आपको देखभाल के नए तरीके बताऊंगी कैसे आप कर सकते हैं घर बैठे बागबानी। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन है इसको दबाइए। और इस तरह आप मेरे चैनल में मेरे साथ अपनी क्वेरीज लिख के भेजिए, जिससे मैं आप लोगों को सेटिस्फाई कर सकूं, आपके जवाब दे सकूं और आपको बागबानी के नए नए तरीके बता सकूं। धन्यवाद।